हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि पेट्रोलियम जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एंड आज की हम लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे कि उस पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। किस तरीके से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, क्लियर। सो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, जो भी सी के अंदर समुद्र में रहने वाले जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद डेथ के बाद जो उनकी बॉडी होती है, जो डेथ बॉडीज़ होती हैं, वो डेड बॉडीज़ क्या होती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। समुद्र के नीचे जो है, नीचे सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। डूबने के बाद उसके ऊपर, उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर क्या होता है, सैंड एंड क्ले की लेयर आ जाती है, ठीक है। और सैंड एंड क्ले जो है, क्ले एंड सैंड की जो लेयर है वो उस डेड बॉडीज़ को कवर कर देती हैं। कवर करने से क्या होता है, जो एयर है वो एयर जब डेड बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, ठीक है, तो वहाँ पर एयर का कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर किसका, तो ऊपर जो पानी है, ठीक है, उसका प्रेशर, एंड सैंड एंड क्ले जो है उसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर जो है वो डेड बॉडीज़ पे प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, क्लियर। एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वहाँ पे कंडीशन मिलती है उसको, ठीक है, और एयर का एब्सेंट। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये तीन कंडीशंस जब मिलने लगती है उन डेड बॉडीज़ को, तो क्या होता है, वो जो डेड बॉडीज़ हैं उन नीचे प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करती हैं, एंड डिकम्पोज करके उसके स्टेट को क्या करती हैं, चेंज करेंगी, ठीक है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर से भी स्टेट चेंज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेट्रोलियम में, क्लियर है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा था। अब पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बेटा हम एक्सपर्ट की हेल्प से क्या करते हैं, वो एरिया, एक्सपर्ट जो होता है वो उस एरिया को, जिन एरियाज़ के अंदर क्या मिलने वाला हमें पेट्रोलियम जो है, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर जिन जिन एरियाज़ में पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है कि इन एरियाज़ में पेट्रोलियम है, तो वो एक्सपर्ट जो है वो लोकेट करते हैं उन एरियाज़ को, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, उन एरियाज़ के अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करके हम क्या करते हैं, ऑयल को, जो पेट्रोलियम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले क्या क्या, एक्सपर्ट जो है वो लोकेट करेगा उस एरिया को, ठीक है। दोज एरिया इन विच द पेट्रोलियम मे बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट के थ्रू उन एरियाज़ को लोकेट किया जाएगा, एंड देन उसके बाद क्या किया जाएगा, वहाँ पे उस एरिया में ड्रिलिंग की जाएगी। ड्रिलिंग मीन्स क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कभी भी ट्यूबवेल्स वगैरह भी बनती है तो एक होल किया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के नीचे एक होल किया जाता है सरफेस पे, क्लियर। तो इस तरीके से पेट्रोलियम में भी ड्रिलिंग किया जाएगा, और ड्रिलिंग करके एक बहुत बड़ा सा होल बनाया जाएगा, जिस होल को हम क्या कहेंगे, उस होल को हम ऑयल वेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, थीके? मतलब एक कुएं के जैसा हम होल करेंगे, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रिलिंग की जाएगी, वो ड्रिलिंग किस मशीन्स के थ्रू की जाती है बेटा, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग रिग मशीन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक होल क्रिएट करेंगे, ड्रिलिंग होल बनाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे हाई इंटरनल प्रेशर, देखो अंदर अंदर जो है पेट्रोलियम के ऊपर, बताया था आप लोग को पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैसेस भी, नेचुरल गैसेस जो होते हैं वो कवर अप रहती हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम, ये दोनों ही चीज़ें बेटा क्या होती है, वाटर से लाइटर होती है, ठीक है, पानी से हल्की होती है, और पानी से हल्की होने के कारण जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, जो पेट्रोलियम है वो, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोथ आर लाइटर देन वाटर, ठीक है, वाटर से हल्के होते हैं, इसीलिए हमेशा ये वाटर से ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर आपको नजर आएंगे, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि ये लाइटर होते हैं, क्लियर। तो ये हमें ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर जो है वो हमें नजर आता है, क्लियर। तो
हाई प्रेशर ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस का हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और उस हाई प्रेशर क्रिएट से क्या, हाई प्रेशर से क्या होता है, जो भी जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, देखो पेट्रोलियम एक अकेला नहीं होता है, ठीक है, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और भी, ठीक है, इट इज द मिक्सचर, ठीक है, पेट्रोलियम सिंगल नहीं है, पेट्रोलियम के अंदर कई सारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मिक्स होते हैं, तो जो मिक्सचर्स होता है ना बेटा उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जब पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, कई सारे हाइड्रोकार्बन्स मिक्स हैं, तो उस टाइम पे हम उस ऑयल को क्या, क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, तो जो भी क्रूड ऑयल होता है वो पाइप से क्या होता है, बाहर निकलता है इंटरनल प्रेशर के थ्रू, ठीक है, जैसे ही हमने खड्डा खोदा और ड्रिलिंग किया, और ड्रिलिंग करने के बाद नीचे से जो इंटरनल प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर से क्या होता है, वो जो क्रूड ऑयल है वो पाइप के अंदर आता है, पाइप के अंदर आता है, और उसके बाद बाय यूजिंग सर्टन पंप, किसी भी पंप्स का यूज करके हम उस पेट्रोलियम को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो एक्सट्रैक्शन जो है ऑयल का, ऑयल को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, तो सबसे पहले एक्सपर्ट के थ्रू एरिया को लोकेट किया जाएगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ जिस एरिया में एक्सपर्ट ने बताया है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक ड्रिलिंग होल क्रिएट करेंगे, ड्रिलिंग होल किसके हेल्प से करेंगे, हम मशीन्स के थ्रू करेंगे, उस मशीन को जिससे हम ड्रिलिंग करते हैं उस मशीन को क्या कहा जाएगा, ड्रिलिंग रिग्स कहा जाएगा, क्लियर है, और उसके बाद अंदर का जो इंटरनल जो नेचुरल गैसेस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के थ्रू क्या होगा, जो क्रूड ऑयल है वो किस पे आ जाएगा, वो पाइप में आएगा, ठीक है, और उसके बाद हम किसी भी पंप का यूज करके हम उससे पेट्रोलियम को बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना है, पानी के ऊपर के सरफेस पे हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो लाइटर होते हैं वाटर से, दैट्स वाई दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वो पूरी दो चीज़ें हैं, एक तो वो सॉल्यूबल नहीं है, दूसरी चीज़ वो वाटर से क्या है, लाइटर है, ठीक है। अब मेनली जो पेट्रोलियम है वो कहाँ फाउंड होता है, तो असम में फाउंड होता है, गुजरात में फाउंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है, रिवर बेसिन गोदावरी बेसिन और गोदावरी बेसिन के साइड भी आपको पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है, ठीक है, एंड अंडर द सी वीड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे कॉल्ड बॉम्बे हाई, ठीक है, तो बॉम्बे हाई में यहाँ पे भी क्या होता है, पेट्रोलियम फाउंड होता है, ठीक है, और ये बॉम्बे हाई जो है वो क्या है बेटा, सीवीड है, डिस्टेंस बॉम्बे से 150 किलोमीटर पे सीवीड्स है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉम्बे हाई, और वहाँ से पेट्रोलियम का फॉर्म, पेट्रोलियम जो है वो हमें मिलता है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो इन एरियाज में हमें पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है। अब बेटा जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, उसके अंदर कई सारे हाइड्रोकार्बन मिक्स है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो बेटा हाइड्रोजन एंड कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर, जिनमें कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड कार्बन का, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, एंड जो पेट्रोलियम है बेटा किन किन चीज़ों का मिक्सचर है, देखिए पेट्रोलियम के अंदर क्या होते हैं, गैसेस हाइड्रोकार्बन भी मिलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है, गैसेस हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, कुछ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अर्थ इम्प्योरिटीज, ठीक है, अर्थ की जो इम्प्योरिटीज है, बिकॉज हमें पता है कि वो अंदर से ही मिल रहा है हमें, ठीक है, अर्थ के सर्फेस के अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो कुछ अर्थ इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, साथ साथ में सॉल्ट्स भी रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर्स हैं पेट्रोलियम के अंदर, इतने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स, कुछ हाइड्रोकार्बन गैसेस फॉर्म में, कुछ हाइड्रोकार्बन सॉलिड फॉर्म में, कुछ हाइड्रोकार्बन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, कुछ अर्थ इम्प्योरिटीज एंड कुछ सॉल्ट्स, ये सारे मिक्स रहते हैं, ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्शन समझ में आया क्या, कि किस तरीके से हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अब देखो पेट्रोलियम के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, तो हमें
इनमें से सारे जितने भी हमारे गैसेस हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स है, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स है, इन सबको हमें सेपरेट भी करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल की रिफाइनिंग भी, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम को किस तरीके से उसे रिफाइन करना है, ओके, एंड रिफाइन करके उनमें से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं, ओके, ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ओके। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाए, रिफाइनिंग मीन्स हमें क्या करना है, उनमें से जितने भी पेट्रोलियम में जितने भी कंपाउंड और मिक्स होते हैं उनको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो मिक्सचर्स को हमें सेपरेट करना है, उसी को हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग, क्लियर। और रिफाइनिंग कहाँ की जाती है, तो रिफाइनरीज में की जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो किस तरीके से रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पेट्रोलियम में जो भी मिक्सचर्स हैं वो जो प्रेजेंट हैं उनके अंदर, उन मिक्सचर्स को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। और यूजफुल फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के जो जितने भी जो सेपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर से जितने भी कंपाउंड जो सेपरेट होंगे वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो उन यूजफुल फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। और जो रिफाइनिंग जो पेट्रोलियम की जाती है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे की जाती है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे हम रिफाइनिंग करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल मीन्स फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई चीज़ अगर गिरती हैं तो उनको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब पहले फ्रैक्शंस बनेंगे, एंड देन फ्रैक्शंस बनने के बाद धीरे 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 वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे वो जो सेपरेशन होता है वो नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये इसका मेन जो रिफाइनिंग होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे की जाती है। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये इसका जो मेन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके बेसिस, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपने देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि किस तरीके से हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, रिफाइनरीज में किस तरीके से रिफाइनिंग किया जाता है। तो हम यहाँ एक फर्निस लेते हैं, ठीक है, और इस फर्निस के अंदर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल जिनको हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो डायरेक्टली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल जो होता है वो हम कंप्लीट इस फर्निस में डालते हैं और उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में प्रोवाइड करती हूँ, तो ये जो क्रूड ऑयल है बेटा, ये ऑब्वियसली बात है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, अब जो लिक्विड जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से क्या होगा, वेपोराइज होगा, मतलब जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्लियर है। लाइक सपोज मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा है कि आपके पास किसी एक इसके अंदर जो भी क्रूड ऑयल में जो भी मिक्सचर्स प्रेजेंट है कंपाउंड, उनमें से कुछ कंपाउंड का सपोज जो बॉइलिंग पॉइंट है, सभी कंपाउंड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी से इवेपोरेट होगा ना, ठीक है। जिसका जैसे जिसका किसी का आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसके बाद किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, तो बेटा सबसे पहले इवेपोरेट कौन होगा, सबसे पहले वेपराइज कौन होगा, वेपर फॉर्म में कौन कन्वर्ट होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब जिसको सबसे कम मिल रही है बॉइलिंग, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत जल्दी क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है।
तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कंपाउंड जो भी अंदर प्रेजेंट है क्रूड ऑयल के अंदर, उन सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है, और अपने जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी से वेपर बनेगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से आपको कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, जिसका पेट्रोलियम गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे आपको जो पेट्रोलियम गैस है उसका सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं जो अलग अलग सेपरेशन करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस बनाएंगे, और फ्रैक्शंस में हमें दिखेगा कि ये कंपाउंड जो है वो किस तरीके से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो उसका टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बिलो 40 डिग्री सेल्सियस से आपको पेट्रोलियम गैस सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड गैसोलिन। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैसोलिन, गैसोलिन जो है वो आपको कितने डिग्री सेल्सियस, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 40 से 170 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन कैरोसिन, कैरोसिन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 172 250, मतलब 170 और 250 के बीच में आपको कैरोसिन जो है वो सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डीजल, डीजल आपको 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे आपको सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको फ्यूल ऑयल जो है वो सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। क्लियर, उसके बाद लिब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड देन रेसिड्यूज जो बच जाएंगे इसमें पैराफिन वैक्स, ठीक है, एंड बिटुमेन। ठीक है, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन, ये जो होगा वो आपका लास्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अबव 400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो इस तरीके से हमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग जो भी इस क्रूड ऑयल में जो भी मिक्सचर्स थे प्रेजेंट, वो सब मिक्सचर्स अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होते हुए हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड्स हमें मिलेंगे बाद में, तो हमें मिलेगा पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसके अंदर एलपीजीज, ठीक है, एलपीजीज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका यूज हम करते हैं, कहाँ करते हैं, हम होम में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, इंडस्ट्रीज में की जाती है। उसके बाद पेट्रोल सेकंड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पेट्रोल। इनमें ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो पेट्रोलियम होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स होते हैं। तो बेटा इस अकॉर्डिंग हम एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो पेट्रोलियम गैस है उनमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं। ठीक है, तो 3 to 4 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल का यूज़ हमें पता है एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल फॉर व्हाट, हम कार में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन प्रेजेंट होते हैं 5 to 9 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अगर बात करें थर्ड हमारा जो मिल रहा है वो है कैरोसिन। कैरोसिन की बॉइलिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। और इसका यूज हम करते हैं कहाँ, इसका यूज स्टोव में यूज किया जाता है कैरोसिन का। ठीक है, खाना बनाने में यूज किया जाता है स्टोव, उसमें हम कैरोसिन का ही यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, हम जेट एरोप्लेन्स में भी एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसका। और कैरोसिन में कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो 10 to 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो फोर्थ प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमें, वो है डीजल। ठीक है, तो डीजल जो है वो 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है डीजल का यूज हम कहाँ करते हैं, बसेस में करते हैं। ठीक है, और इनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, 13 to 15 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। फ्यूल ऑयल की बात करें तो फ्यूल ऑयल जो होता है इसके अंदर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 15 to 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनरीज में यूज किया जाता है। ठीक है, मशीन्स में यूज किए जाते हैं। फ्यूल ऑयल का यूज भी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, मतलब लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, एक एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मशीन्स में हम यूज करते हैं इसका। और उसके बाद आता है रेजिड्यूज में आप पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स हमें पता है कैंडल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड बिटुमिन, बिटुमिन का यूज हम रोड
जो रोड के सरफेस होती है, रोड के सरफेस को फॉर्म करने में हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट पता होने चाहिए कि पेट्रोलियम गैसेस में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है, पेट्रोल में कितना है, कैरोसिन में कितना, और ये सारे जितने भी आपको मिल रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वो सभी कहाँ से मिल रहे हैं, हमें क्रूड ऑयल से मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। और किस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो मेन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से इवेपोरेट होगा। दो चीज़ें होती है बेटा, इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेशन के बाद यहाँ क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वेपर का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो जो वेपराइज हुआ है, जो जल्दी से वेपर बना है, ठीक है, वहां पे वेपर बनने के बाद उसका कंडेंसेशन किया जाएगा, एंड कंडेंसेशन करने के बाद वो धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो डिस्टिलेशन जो भी लिक्विड बनेगा वहां पे कंडेंसेशन, जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, एंड देन हम उसको इकट्ठा करेंगे और सेपरेट करेंगे। समझ में आ रही है चीज। तो दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा, और दूसरी चीज ये कि कंडेंसेशन जो होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये है कि जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी से कंडेंस्ड होगा। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा सबसे कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये जल्दी से बॉइल होगा। फिर उसके बाद 20 वाला बॉइल होगा, फिर 25 वाला, फिर 30 वाला। बट तो वेपर सबसे पहले इसके बनेंगे, 10 के बनेंगे, तो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर वेपर बन के सबसे पहले ये उड़ेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में वेपर किसके बनेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस वाले का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में वेपर बनेंगे 30 डिग्री सेल्सियस का। बट अगर हम बात करें, अब सबसे लास्ट में बनेगा इसका वेपर, ठीक है, तो अगर हम बात करें कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन का मतलब क्या, कि जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो बेटा सबसे पहले लिक्विड कौन बनेगा, तो सबसे पहले लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कि दो चीजें आपको याद रखनी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका जो वेपर है वो जल्दी बनेगा, बट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका कंडेंसेशन फास्ट होगा। ठीक है, वो जल्दी से कंडेंस्ड होगा, लिक्विड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा वो। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और यही दो प्रिंसिपल हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल पे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो वर्क करता है। और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से ही, इसी के बेस्ड पे हम रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो मेन जो इंडिया में रिफाइनरीज है पेट्रोलियम की, वो कहाँ कहाँ हैं, तो चेन्नई में है, ठीक है, मथुरा है, बॉम्बे है, ठीक है, एंड कोचीन है, उसके बाद फिर आपका बरौनी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन रिफाइनरीज हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है यहाँ। क्लियर, तो इस तरीके से हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की भी टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट किया। ओके।